आज का वीडियो होने वाला है सिक्किम के बारे में। अगर आप लोग सिक्किम जाना चाहते हो, सिक्किम का टूर प्लान कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत सही जगह है प्लान करने के लिए। सिक्किम एक कोई छोटा जगह नहीं है कि आप एक दो या तीन दिन में पूरा सिक्किम कवर कर लें। सिक्किम एक काफ़ी बड़ा जगह है और एक्सप्लोर करने के लिए बहुत सारा चीज़ है। तो हम लोग इस वीडियो को सिंपल बनाने के लिए इसको बेसिकली चार पार्ट में डिवाइड करेंगे, ईस्ट सिक्किम, वेस्ट सिक्किम, साउथ सिक्किम एंड नॉर्थ सिक्किम। इस वीडियो में हम लोग स्पेसिफिकली बात करेंगे साउथ सिक्किम के बारे में कि आप लोग साउथ सिक्किम कैसे जा सकते हैं, वहाँ जाने के लिए आपको क्या क्या प्रिकॉशन लेना पड़ेगा, क्या क्या चीज़ दिमाग में रखना पड़ेगा और कौन कौन सा जगह है जो कि आप घूम सकते हैं। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में वो सारा चीज़ बताऊँगा जो आपको ज़रूरी रहेगा एक रूट प्लान करने के लिए, होटल डिसाइड करने के लिए और कौन सा जगह कब जाना है वो डिसाइड। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपको लगता है कोई इंप्रूवमेंट चाहिए, वीडियो में कुछ एक्स्ट्रा इंक्लूड करना था, कोई इन्फॉर्मेशन आपको जानना है, प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, वील ट्राई आवर बेस्ट टू आंसर यू। साउथ सिक्किम घूमने के लिए जो सबसे ज़रूरी हो यह है एक बढ़िया रूट प्लान, क्योंकि इतना सारा विजिटिंग पॉइंट्स है, अगर आप ढंग से रूट प्लान नहीं करेंगे तो आप चार दिन में भी खत्म नहीं कर। रूट प्लानिंग शुरू करने से पहले क्या क्या जगह है घूमने के लिए साउथ सिक्किम में वो जानना बहुत ज़रूरी है। साउथ सिक्किम में एक 130 फुट का बुद्धिस्ट स्टैचू है, एक बहुत बड़ा बुद्धिस्ट पार्क है, भारत में जो चार बाबा का धाम है उस चार धाम का एक रेप्लिका है, 108 फुट महादेव की स्टैचू और 130 फुट बुद्धिस्ट स्टैचू के साथ साथ भी एशिया का सेकंड हाईएस्ट हैंगिंग ब्रिज साउथ सिक्किम में ही आता है। हम लोगों का साउथ सिक्किम का जो टूर है वो स्टार्ट होता है सिलीगुड़ी से। जब आप सिलीगुड़ी से स्टार्ट करते हैं तो बहुत जल्दी आपको सिलीगुड़ी से मॉर्निंग में स्टार्ट करना पड़ेगा, मैक्स टू मैक्स 7 बजे, और वहाँ से आप लोग सीधा पहुँच जाएंगे बोरोंग, जो कि हम लोगों का रूट 1 का पहला डेस्टिनेशन है। बोरोंग सिलीगुड़ी से लगभग 130 किलोमीटर्स की दूरी पे है और आपको पहुंचने में लगभग 6 घंटा लग जाएगा ब्रेक लेते हुए। बोरोंग का बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन तो है नहीं, लेकिन वहाँ जो एक खास चीज़ है वो है स्प्रिंग वाटर, हॉट स्प्रिंग वाटर, जहाँ नहाने में आपको काफ़ी मज़ा आएगा। सो बोरोंग जाइए और नहाइए वहाँ मज़े से। बोरोंग में रहने के लिए होम स्टेज और खाने के लिए छोटा मोटा होटल भी है। अगर आप लंच वहीं करना चाहते हैं तो आप लंच कर सकते हैं, नहीं तो वहाँ से सीधा रिटर्न आ जाइए रावांगला। रावांगला का जो अट्रैक्शन है वो है यहाँ का बुद्धिस्ट पार्क और 130 फीट बुद्धिस्ट स्टैचू। बोरोंग से रावांगला पहुँचने में आपको लगभग शाम हो जाएगा, तो अब रावांगला बुद्धिस्ट पार्क से मस्त सनसेट एंजॉय करके वहीं एक होटल या होम स्टेज लेके नाइट स्टे कर लीजिए। नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करके 8 बजे के अंदर निकल जाइए नामची के लिए। नामची जाने के रास्ता में ही एक छोटा सा हिल पड़ेगा, नाम है टेंडोंग हिल। इस हिल टॉप में ट्रेकिंग करके जाना पड़ता है और ऊपर टेंडोंग मॉनेस्ट्री भी है। यहाँ से जो व्यू है वो बहुत अच्छा रहता है, कंचनजंगा भी यहाँ से आपको देखने के लिए मिल जाएगा। आप अगर चाहते हैं तो टेंडोंग हिल स्किप भी कर सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी विजिटिंग पॉइंट नहीं है। खैर, वहाँ से सीधा निकल जाइए नामची के लिए। नामची रावांगला से लगभग 25 किलोमीटर से और आपको जाने के लिए लगभग 1 घंटा लगेगा। नामची में आपको जाना है चार धाम। इसको चार धाम इसलिए बोला जाता है क्योंकि भारत का जो चार बाबा धाम है उसी का छोटा रेप्लिका कॉपी यहाँ बना हुआ है, साथ में एक बहुत बड़ा 103 फीट महादेव जी की स्टैचू बनी हुई है। नामची चार धाम में कुछ टाइम बिताने के बाद आप वहाँ से सीधा निकल जाइए पेलिंग के लिए। नामची से पेलिंग लगभग 55 किलोमीटर से और आपको जाने के लिए लगभग 2.5 से 3 घंटा लग जाएंगे। पेलिंग का जो सबसे बड़ा अट्रैक्शन है वो है यहाँ का स्काई वॉक प्लस ग्लस ब्रिज। ग्लस ब्रिज पेलिंग में ही इंडिया में सबसे पहले बना था, तो यहाँ आके आप काफ़ी टाइम बिता सकते हैं और बहुत एंजॉय कर सकते हैं। खैर, यहाँ से कंचनजंगा का एक बहुत अच्छा व्यू भी मिल जाएगा आपको। स्काई वॉक के साथ साथ पेलिंग में एक बहुत बड़ा बुद्ध की स्टैचू भी है जिसको चेंगा स्टैचू कहा जाता है। पेलिंग से 5 किलोमीटर की दूरी पे है सिंगशोर सस्पेंशन ब्रिज। ये एक हैंगिंग ब्रिज है और एशिया का सेकंड हाईएस्ट हैंगिंग ब्रिज है। आप चाहे तो सिंगशोर सस्पेंशन ब्रिज पहले जा सकते हैं, बाद में पेलिंग स्काई वॉक जा सकते हैं। यहाँ मैं आपको बता दूँ, पेलिंग का जो रास्ता है वो काफ़ी स्टीप है, अगर आप बाइक से जा रहे हैं थोड़ा सा सावधानी से जाइए। सेम सिंगशोर ब्रिज का जो रास्ता है वो बहुत ख़तरनाक ऑफ रोडिंग है, तो दोनों पॉइंट कवर करने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा सावधानी बरतनी होगी। खैर, ये दो पॉइंट कवर करने के बाद आपको पेलिंग में ही नाइट स्टे करना है। मैं ये कभी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप पेलिंग से निकल के शाम को ड्राइविंग करके कहीं भी दूसरा पॉइंट जाइए।
नेक्स्ट डे मॉर्निंग आप फ्रेश होके पेलिंग से ब्रेकफास्ट करके निकल जाइए युकसोम के लिए। युकसोम पेलिंग से 40 किलोमीटर है, जो कि पहुंचने में आपको लग जाएगा लगभग 2 से 2.5 घंटा। लेकिन रास्ते में बहुत बढ़िया बढ़िया दो फॉल्स आता है, रिम्बी फॉल्स और कंचनजंगा फॉल्स। ये दो फॉल्स भी आप जाने के टाइम में घूम लीजिए। युकसोम में एज सच घूमने के लिए खास कुछ नहीं है, यहाँ जो आपको मिलेगा वो है कंचनजंगा का व्यू। बिलीव मी, इतना अच्छा व्यू आपको नॉर्थ ईस्ट से कहीं नहीं मिलेगा जितना अच्छा युकसोम से मिलेगा। और युकसोम जो है काइंड ऑफ साउथ इंडिया का एंड है, यहाँ से आ गए आप बाइक या कार लेके नहीं जा सकते, कोई रोड नहीं है, यहाँ से सारा ट्रेकिंग के लिए जाया जाता है। युकसोम के साथ साथ हम लोगों का साउथ सिक्किम का जो है टूर ख़त्म होता है। यहाँ से अगर आप रिटर्न आना चाहते हैं सिलीगुड़ी तो आप रिटर्न आ सकते हैं, और अगर आप ईस्ट या नॉर्थ सिक्किम जाना चाहते हैं मैं बताता हूँ आपको करना क्या है। अगर आप ईस्ट सिक्किम की तरफ जाना चाहते हैं, मतलब चंगू लेक, नथुला पास, ये सब पॉइंट कवर करना चाहते हैं, तो वहाँ से आप सिंगथम होके आ जाइए गैंगटॉक। आप सिंगथम में नाइट स्टे कर सकते हैं या गैंगटॉक तक अगर गाड़ी खींच सकते हैं आप गैंगटॉक में भी नाइट स्टे कर सकते हैं। और अगर आप नॉर्थ सिक्किम जाना चाहते हैं, मतलब गुरुदुंगवार लेक, लाचुंग, लाचेन इस तरफ, तो वो सिंगथम होके आप आ जाइए मंगन। आपको गैंगटॉक जाने का कोई ज़रूरत नहीं है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा और बहुत हेल्प करेगा साउथ सिक्किम का प्लान करने के लिए। सेम मैं नॉर्थ सिक्किम, ईस्ट सिक्किम और वेस्ट सिक्किम के लिए भी बना रहा हूँ पूरा ट्रैक प्लान। उसके लिए प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू डोंट मिस द नेक्स्ट वीडियोज़ टू प्लान फॉर रूट।